तो मैं फ्री अमारू का मतलब है, अमारू एक बंदा है जो हमारा एजेंट हुआ करता था, उसको दुश्मनों ने पकड़ लिया है, ये रहा बंदा, ये ढूंढ रहा है। और नहीं भाई देख रहे हो, इसमें जो नॉर्मल शूटिंग की जो आवाज़ है ना वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है। वो जो लोग उनके खिलाफ जाते हैं वो उनको मार कर ऐसे कॉर्नर्स पे लटका देते हैं। ये देख रहे हो भाई, उसकी बेटी है, पता नहीं कौन है, रो रही है नीचे और ऊपर उसकी लाश को लटकाया हुआ है। भाई इसमें आपको पबजी वाली, GTA वाली और बहुत सारी फीलिंग्स एक साथ आ जाती हैं, बहुत ही जानदार गेम है। भाई यहाँ पर जो बंदा पहले इसके ऊपर निशाना लगा लेता है, ओए होए होए क्या शॉट था यार, इसके लिए लाइव बनता है। ओए होए भाई अब मेरे को समझ में आ गया क्या करना है पहले उसके ऊपर। हेलो एंड वेलकम गाइस, आज हम खेलने जा रहे हैं टॉम क्लेनीज घोस्ट रकून। तो भाई इस गेम के बारे में जितनी तारीफ करूँगा उतना कम है, बिकॉज ये GTA 5 से बहुत ज़्यादा अलग है एंड कुछ हद तक GTA 5 से अच्छा भी है, क्योंकि भाई इसमें थोड़ी सी रियलिस्टिक चीज़ें हैं, क्योंकि ये रियल इंजन के ऊपर बेस्ड है, रियल इंजन जो हमारा प्लेटफॉर्म है वहाँ पर बेस्ड है, और ये बहुत ही तगड़े तरीके से बनाया गया है। इसमें हमारा पहला मिशन है फ्री अमारू। तो भाई फ्री अमारू का मतलब है, अमारू एक बंदा है जो हमारा एजेंट हुआ करता था, उसको दुश्मनों ने पकड़ लिया है, और भाई इससे पहले कि वो उससे कुछ उगलवाएं या हमारे ठिकानों का पता लगाएं हमें उसे बचाना पड़ेगा। ठिकानों का पता लगाने से भी कुछ नहीं होगा भाई, हमसे कुछ होगा लेकिन हमको रोक तो पाएगा नहीं कोई, लेकिन भाई उसको कुछ नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल भाई चार बंदों की टीम लेके मैं निकल गया हूँ अमारू को बचाने के लिए। भाई ये है उनकी पहली चौकी जहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं, बस हम रीच हो गए हैं भाई, ये है सामने, इनको नहीं पता कि हम आ रहे हैं। भाई हमें एकदम से हमला करना पड़ेगा। बहुत सही भाई, तीन बंदे यहाँ पे बाहर लाइक सेफ्टी पे रुके हुए थे, गार्ड कर रहे थे, और भाई उनमें से दो को तो मैंने गाड़ी से उड़ा दिया, इसको हम टैग कर देंगे डन। और भाई एक भी बंदा अभी नहीं बचा है बाहर, मेरी जो बाकी टीम मेंबर थे उन्होंने कंप्लीट कर लिया, एक बंदा बचा है और उसको ये फील होना चाहिए भाई हम लोग यहाँ से जा चुके हैं, तभी वो बाहर आएगा। तो हम लोग बिल्कुल शांत हैं, उसके बाहर आने का वेट कर रहे हैं, एंड अब आई थिंक हमें उस पर अटैक कर देना चाहिए, वो निकलने वाला होगा, बस बाहर आएगा। हाँ कमिंग आउट। तो भाई इसमें ना स्क्वाड को बहुत सारे ऑर्डर दे सकते हैं, आपकी स्क्वाड क्या करेगी, ये रहा बंदा, ये ढूंढ रहा है। और नहीं भाई देख रहे हो, इसमें जो नॉर्मल शूटिंग की जो आवाज़ है ना वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है, और बंदे बहुत रियलिस्टिक तरीके से मरते भी हैं। तो यहाँ पर एरिया बिल्कुल क्लियर है, ये चौकी क्लियर है, मतलब यहाँ से उनको कोई हेल्प नहीं मिलेगी अगर हम आगे अटैक करने जा रहे हैं तो। और भाई जिस ओमनी वैन को हम लेकर आए थे उसका हो गया थोड़ा सा कचुम्बर, बिकॉज हमने दो तीन जगह ठोक दी अभी। तो भाई इसमें हम जीप लेकर जाएंगे, क्लोज वाली लेकर चलते हैं, ओपन वाली में फ़ायदा नहीं है। तो जैसे ही मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता हूँ बाकी तीनों अपने आप मुझे फॉलो करते हुए आ जाते हैं। एंड गाइस इतने रियलिस्टिक ग्राफिक देखकर आई एम श्योर आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, अगर वीडियो लाइक कर दोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। भाई ये लोकेशन इतनी ज़्यादा क्रीपी है, इतनी ज़्यादा लाइक दुश्मनों ने घेरा हुआ है इसको, बहुत ज़्यादा मिलिटेंट्स हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा यहाँ पर गैंगस्टर्स हैं। आप अभी रास्ते में देखोगे कि किस टाइप का माहौल यहाँ पर बना हुआ है, लोग कितने डरे हुए रहते हैं, क्योंकि भाई एक एक कॉर्नर पर ना जो लोग उनके खिलाफ जाते हैं वो उनको मार कर ऐसे कॉर्नर्स पे लटका देते हैं। ये देख रहे हो गाइस, उसकी बेटी है, पता नहीं कौन है, रो रही है नीचे और ऊपर उसकी लाश को लटकाया हुआ है, वो प्रे कर रही है। तो भाई हम उसको बोल तो नहीं सकते, बट उसको दिलासा देता हूँ मैं कि भाई बदला हम लेकर आएंगे तुम्हारा। तो भाई ये लोकेशन बहुत ही क्रीपी है और आपको देखकर बहुत ही ज़्यादा अजीब लगने वाला है। यहाँ पर भी सेम सीन है गाइस, फिर दिखाता हूँ पीछे में, दो लोग यहाँ पर रो रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, भाई ऊपर दो लोगों को ऊपर लगाया हुआ है। यहाँ पर भी दो लोग नीचे प्रेयर कर रहे हैं भाई, उनके घर वालों को ऊपर लटकाया हुआ है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा एक बुरा लग रहा है देख के। तो फाइनली हम लोकेशन पे पहुँच गए हैं, यहाँ से 105 मीटर दिखा रहा है, क्योंकि उमारू के पास एक डिवाइस था जिसके अंदर GPS लगा हुआ था, वो डिवाइस आई एम श्योर उसकी जेब में तो उन्होंने नहीं छोड़ा हुआ, लेकिन उन्होंने यहीं पर रखा हुआ है, फेंका नहीं है कहीं पर। तो ये लोकेशन दिखा रही है, कुछ लोग मुझे गैंगस्टर टाइप के दिख भी रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से थोड़ा सा छुप के चलते हैं, आगे इनका सुअर फार्म है भाई, 82 मीटर पर दिखा रहे हैं, कुछ लोग हैं भाई, उनके हाथ में गन्स भी दिख रही हैं मुझे, मीन्स यही वो लोकेशन हो सकती है जहाँ पर हमारा अमारू होगा। भाई अमारू को बचा के हमें बस वापस लेकर जाना है। प्रॉब्लम यह है कि स्टार्टिंग जब आप ये मिशन स्टार्ट करते हो ना, तब आपके पास गन्स में कोई स्कोप वगैरह नहीं होता है, तो आपको बेसिक नेकेड गन लेके चलना होता है जिसमें अटैचमेंट बहुत कम होती हैं। तो फिलहाल टारगेट हमारी रेंज में है भाई, एक दो को हम लोग निपटा देते तभी रश कर पाएंगे। भाई इसमें आपको पबजी वाली, GTA वाली और बहुत सारी फीलिंग्स एक साथ आ जाती हैं, बहुत ही जानदार गेम है। भाई तीन लोग एक साथ हैं, इनमें से दो को मैंने मार दिया, बहुत सही, और भाई पाँच छः लोग तो कुल मिला के होंगे, दो में से दो मैंने मार दिए, और भाई ये तीसरा नहीं, बच गया। ओ भाई दो लोगों ने मुझे देख लिया है, मुझे छुपना पड़ेगा भाई। यहाँ पर जितनी जल्दी ओपोनेंट मरते हैं उतनी ही जल्दी हमारे मरने के चांसेस भी होते हैं, सो यू हैव टू बी केयरफुल। और भाई पहले आप छुप जाओ, फिर लोकेशन बांध लो कि वहाँ उठ के मारना है, उठ के फिर सीधा मार दो, यही कर सकते हैं। भाई मैंने ग्रेनेड फेंक दिया, ग्रेनेड फेंकने के बाद ओ भाई ऊपर है ना पानी की कट वो रखी हुई थी, और उसमें से छेद हो रहे हैं भाई, पानी की पेटी रखी हुई थी, छेद हो रहे हैं। ओए भाई बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक सा व्यू है, मज़ा आ रहा है देख के, खेल के मतलब।
यहाँ पर जो बंदा पहले इसके ऊपर निशान लगा लेता है। ओए होए होए क्या शॉट था यार, इसके लिए ग्लाइव बनता है। ओए होए भाई, अब मेरे को समझ में आ गया क्या करना है। पहले उसके ऊपर एम बांध लेना, फिर उठना है, फिर मारना है। ऐसा नहीं कि हम बस पहले एम ढूंढ रहे हैं, एम ढूंढने के चक्कर में वो मार ही दे रहा सामने से। पर वहाँ पे दो तीन बंदे मेरे को दिख रहे हैं जो कि गोलियाँ चला रहे हैं। फिर इसके ऊपर एम, बहुत सही, देखा लास्ट के तीन बंदे मैंने एम बांध कर मारे और बहुत ही ईजिली गिर गए। भाई हेलीकॉप्टर भी था इनके पास, हेलीकॉप्टर भी गिरा भी नीचे, हेलीकॉप्टर तो दिखाई नहीं था मुझे। पर चलो जो भी है भाई, कुछ एक दो बंदे बचे हुए हैं जो कि छुप के मार रहे हैं। और अब भाई मैं अमारू से सिर्फ 36 मीटर दूर हूँ या अमारू के डिवाइस से। पर ये एक मिनट हो गया। बहुत सही भाई, पलक झपकते ही मार दिया है। कुछ मुर्गियाँ यहाँ पे हैं, यहाँ पे क्लियर है भाई सब कुछ। यहाँ पर एक भी गैंगस्टर नहीं बचा है, बस अमारू है शायद, जिंदा है, पता है जिंदा है। तो भाई जिस लॉकर रूम में इसको बंद किया हुआ था वो मैंने खोल दिया है, परफेक्ट अमारू ही है, मिल गया हमें। सो इसको लेकर हमें जाना है वापस अपने बेस पर। और भाई बेस पर जाते जाते हमें ये कोशिश करनी है कि रास्ते में अमारू को कुछ ना हो जाए। भाई हम चार लोग आए थे, 4 सीटर हमारी गाड़ी है, 5 लोग कैसे जाएंगे? आई एम डाइसी ऑन दिस कि कैसे हो गए। लेट्स सी भाई, अमारू का स्वैग देख रहे हो, पीछे बैठा है, मतलब आगे बैठा है फ्रंट में। गो अहेड विदाउट मी भाई। एक हमारा सोल्जर कह रहा है कि तुम अब मेरे बिना निकल जाओ, मैं फिलहाल यहाँ पे मुआयना करता हूँ, इनकेस अगर कुछ छुपा हुआ हुआ तुम पे हमला करेगा तो मैं उसको देख लूँगा। ओह शिट भाई, यहाँ के एक्सीडेंट भी थोड़े रियलिस्टिक हैं यार। उसकी कांच देख रहे हो कैसे फूट गया, गाड़ी बिल्कुल पंचर हो गई है। पर उसने सीधा बाहर निकल के सरेंडर कर दिया कि मेरे को कुछ मत करना। तो फिलहाल एक हमारा सोल्जर रह गया पीछे जो कि कह रहा है मैं जंगल के रास्ते से आऊँगा, तुम लोग निकलो, मैं तुमसे पहले पहुँच जाऊँगा। भाई पॉसिबल है कि वो पहुँच जाए क्योंकि वो है सोल्जर। और भाई ये पानी बहुत रियलिस्टिक भाई। यहाँ पर है मुझे एक चौकी दिख रही है जिसमें 2-3 बंदे यहाँ पर है ना गार्डिंग करने के लिए हैं। और भाई इनको मैंने लपेट दिया है, दो तो मैंने गाड़ी से ही मार दिए थे, एक को गोली मार दी हुई है। और इनके पास कुछ सप्लाईज हैं, उसको टैग कर देते हैं ताकि इनकेस अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ये GPS ट्रैकर से पता चलेगा ये सप्लाई जा कहाँ रही है। तो ऑलमोस्ट हमारा जो मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है, मैं बस अपने बेस पर पहुँचना है, एवरीथिंग इज डन। देख रहे हो अभी भी यहाँ पर एक सोल्जर है, मीन्स ये वही सोल्जर है जो कि हमसे पहले पहुँच चुका है। यहाँ पर 3 सोल्जर हैं, एक अमारू है और 4th एक्स्ट्रा वाला है। तो अब हमें बस पहुँचना है अपने बेस पर, और बेस पर पहुँचने के बाद भाई कुछ इन्फॉर्मेशन इससे मिलेगी। वी आर ऑलमोस्ट एट द बेस एंड भाई यहाँ पर आकर हमारा मिशन हो जाता है कंप्लीट। और भाई यही वो लोकेशन है जहाँ पर अपना आप वेपन को लोड कर सकते हो, वेपन ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ना आप नई नई ऐड कर सकते हो, तो ये लोकेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हम लोग एंट्री करते हैं भाई अमारू को देख कर बाकी लोग खुश हो जाते हैं कि फाइनली भाई अमारू मिल गए। Their talk of love was enough to make me vomit. But their methods were not. भाई ये बता रहा हूँ, उन लोगों ने इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है ना कि बस ये वॉमिट करते करते बचा है, इतना मारा गया इसको। भाई ये हमारी एक लेडी ऑफिसर ये कह रही है कि भाई जितना बैड इनके साथ हुआ है उतना बुरा उनके साथ हुआ है। ये मेरा कैरेक्टर है भाई, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बनाया मैंने, एंड इतना रियलिस्टिक लगता है ना कि बस पूछो ही मत। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया गेम खेल के, आई होप आप लोगों को भी देखकर मज़ा आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को देना लाइक। और भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के नए मिशन में जिसमें हम करने वाले बहुत सारी गोलीबारी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपने घर वालों का रखो ध्यान, और भाई आप सबको राम राम।